मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टक्कर भले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच हो, पर आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 18 सितंबर को रीवा में महारैली करेंगे, जहां वो प्रदेश की जनता से आपके लिए समर्थन मांगेंगे। आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी भाजपा के साथ ही कांग्रेस पर भी तगड़ा निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान 18 सितंबर को रीवा आ रहे हैं। रीवा में होने वाली महारैली को लेकर आप कार्यकर्ता और नेता बेहद उत्साहित हैं। प्रदेश सह प्रभारी दिनेश चड्डा ने कहा कि रीवा में होने वाली महारैली ऐतिहासिक रैली होगी। ये महारैली ग्वालियर में हुई भव्य सभा से भी बड़ी होगी। दिनेश चड्डा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जनता के साथ हमेशा धोखा किया है। एमपी में जनता आप बदलाव चाहती है। मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस की सरकार से, भाजपा की सरकार से, जो भी अब तक रही है, इनसे दुखी आ चुके हैं। इन सरकारों ने लोगों के पल्ले यहाँ पर कुछ नहीं डाला। लोगों को अगर मध्य प्रदेश में दी है तो गरीबी दी है, गरीबी में मध्य प्रदेश को टॉप पर लाकर खड़ा किया है। और दूसरे नेता इन दोनों पार्टियों के अमीर बने हैं। अगर कुछ दिया है तो क्राइम दिया है, जुर्म दिया है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। शिक्षा की किसी ने बात नहीं की, सेहत की किसी ने बात नहीं की, रोजगार की किसी ने बात नहीं की। इसी वजह से अब दिल्ली के बाद, पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में बदलाव की बारी है। सभी की सभी 230 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।